This is a special episode of Pressing Matters brought to you by On The Mic. I have a very special guest here with me today. He is our first guest on the podcast. My guest is probably the most famous Man United fan in the country. He is the chairman and founding member of the Pakistan Manchester United Supporters Club, which is on Facebook as the extremely popular and famous page named Manchester United Pakistani Supporters, or MUPS for short. His name is Ismaeel Tayyab. Thank you so much, Ismaeel, for joining me. You're welcome. Please like MUPS on Facebook and go to their screenings. They have those regularly. It is the best thing to do as a United fan in Pakistan. Ismaeel, I'll just get right down to it. United was the most is the most widely supported club in Pakistan. You could say that. Yeah. And I remember the real craze for our generation really started when around 06 and 07 when Ronaldo, Rooney, Scholes, and then later Tevez, Berbatov came in. Yes. And everyone really understood that one of football ka bhi aista logon pata chal raha tha aur phir Alex Ferguson United ko dekh ke logon ne kaha yahi hai. When and how did you fall in love with Manchester United? I've been a United fan for as long as I can remember. I wasn't born in Pakistan. I was born in Libya, and I spent 16 to 17 years over there. Phir main yahan pe aaya, phir aisa aisa football ka bhi zyada pata laga ki aur bhi teams hain, kyunki us country mein sirf jo hai Serie A ki zyada thi importance, aur baki La Liga nahi thi, Premier League bhi nahi thi. To bachpan se jo dekha hai, jitna dekha wo Serie A hi dekha tha, aur लाथियो को ज़्यादा मैंने देखा क्योंकि शुरू से ही वो था मेरी, मतलब एक ही टीम आती थी और उसी को देखता था. लेकिन इधर आके फिर यूनाइटेड का पता चला, फिर ऐसा ऐसा उस पर रिसर्च भी की, सीखा भी, पता भी चला. उसके बाद फिर ऐसा ऐसा पैशन भी डेवलप होता गया. पाकिस्तान में आपको पता है फुटबॉल का इतना स्कोप तब भी नहीं था. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर इस तरह और भी टीम्स के फ़ैन आना शुरू हो गए. 2006 आपने मैंशन किया, जोज़े मोरिनियो भी आया, तो फिर चेल्सी फैंस भी यहाँ पर ज़्यादा होना शुरू हो गए. तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जो पैशन है वो बढ़ता गया, और अब आपके साथ सामने है कि ऑलमोस्ट एवरी फेमस प्रीमियर लीग क्लब हैज अ सपोर्टर्स क्लब इन पाकिस्तान, व्हिच इज गुड. तो हाउ लॉन्ग अगो वुड यू से दिस वाज के यूनाइटेड का आके पता चला, और कोई ऐसी मोमेंट थी कि यू वर लाइक कि बस यूनाइटेड ही है मेरी जिंदगी में? नहीं, यूनाइटेड ही है, कोई ऐसा खास मोमेंट नहीं था. लेकिन वो जब से जोज़े मोरिनियो आया था, उससे पहले का जो सीज़न था वो बड़ा एविडली मैंने फॉलो किया था, जिसमें आर्सेनल इनविंसिबल्स वाला नहीं, उससे पहले वाला 2003-04 नहीं, उसके बाद वाला. अच्छा अच्छा. हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने इस तरह ऐसा ऐसे उसको फॉलो तो करना शुरू किया था. फिर जब मोरिनियो आया तो लगा कि आवर ग्लोरी डेज आर ओवर, क्योंकि वो जिस तरह लीग जीत रहा था. लेकिन फिर उसके बाद फिर सर एलेक्स फर्ग्यूसन ऑब्वियसली, तो उसके बाद फिर हैट्रिक ऑफ प्रीमियर लीग टाइटल्स, आई एंजॉयड दैट एज वेल. फिर मॉस्को भी, फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मेमोरीज मोमेंट्स बनते गए थे. लेकिन कोई खास स्पेसिफिक मोमेंट उस तरह नहीं था, ग्रेजुअल प्रोसेस आप कह सकते हो. सही सही सही. सो हैव यू सीन एनी चेंज के यूनाइटेड सपोर्टर्स पाकिस्तान में किस तरह चेंज हुए, सपोर्ट किस तरह चेंज हुए? क्योंकि शुरू में क्रेज आया, ऑब्वियसली एक हाईली सक्सेसफुल टीम मैनेज बाय द मोस्ट, मतलब ब्रिलियंट मैनेजर इन फुटबॉल, जब आप उसकी डेनिस्टी देखते हैं एलेक्स फर्ग्यूसन, और इतना करिज्मा था उस टीम में और लीडर्स थे उसके, ऑब्वियसली नेचुरली पीपल वर ड्रॉन टू इट. और फिर एकदम से आपने देखा आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो एलेक्स फर्ग्यूसन चले गए, और फिर अब जो है टीम का जो हाल है. हैव यू सीन के सपोर्ट चेंज हुआ है, वेवर हुआ है? क्या आजकल के बच्चे, अगर जो जनरेशन वो ग्रो करिए, डू दे अंडरस्टैंड यूनाइटेड्स प्लेस इन फुटबॉल राइट नाउ? असल में पाकिस्तान के जितने भी फैंस भी हैं, वो जिस तरह आपने मेरे से मोमेंट पूछा, मेमोरीज पूछी, वो किसी वजह से फ़ैन बनते हैं. और मोस्टली ऐसे होते हैं, जब 2005 में जिस तरह वो लिवरपूल चैंपियंस लीग जीती थी, उसके बाद उसके जो परफॉर्मेंस थी उसकी वजह से लिवरपूल फैंस बहुत ज़्यादा आए. फिर जोज़े मोरिनियो जब आया उसकी वजह से और ज़्यादा आए. फिर हैट्रिक ऑफ प्रीमियर लीग टाइटल्स, फिर चैंपियंस लीग भी आ गई. उसके बाद फिर सर एलेक्स की कंटिन्यू डोमिनेंस, फिर सिटी ने ओवरटेक करने की कोशिश की. रोनाल्डो भी, रोनाल्डो वाज अ बिग फैक्टर. हाँ, वो भी था इस तरह के. फिर आइकॉनिक प्लेयर्स रहे हैं हमारी लीग में भी, मतलब मेरा तो सबसे ज़्यादा फेवरेट हमेशा से एरिक कैंटोना रहा है. लेकिन उसके बाद फिर थियरी ऑनरी आया, फिर जिस तरह रोनाल्डो कह रहे हो आया, इस तरह आते रहे ऐसे प्लेयर्स जिनके साथ आप लीग को एसोसिएट करते हो, तो वो अच्छा रहा है. लेकिन ये इसी तरह पाकिस्तान में जो फैंस हैं वो मोमेंट्स ही तलाश करते हैं पहले, फिर उसके जो है ना, आप जिस तरह आपको आजकल मैनचेस्टर सिटी के फैंस भी नज़र आते हैं जो कि पहले नहीं आपको आते थे. तो ये, या दैट्स ट्रू. तो अब ऑब्वियसली यूनाइटेड की मोमेंट्स इतनी अच्छी नहीं चल रही, तो वुड यू थिंक के मतलब जो अगले 10 साल हैं, अगर यूनाइटेड डोंट कम बैक अप, तो सपोर्ट कम होगा, मैन सिटी का ऊपर जाएगा, इस तरह का फर्क पड़ेगा, या फिर लोग को पता है कि बस क्योंकि यूनाइटेड का नाम ही इतना बड़ा है, लिवरपूल का नाम इतना बड़ा है, अगर ये 10 साल एक दफ़ा सपोर्ट एस्टेब्लिश होगी, 10 साल ट्रॉफीलेस भी चले जाए ना,
तो नाम ही काफ़ी है लोगों, ये दोनों अभी जितने 20 प्रीमियर लीग क्लब्स हैं तो ये दोनों क्लब्स जो हैं ये तो हमेशा अपना जो स्टेटस है वो प्रिजर्व करेंगे, वो जीते ना जीते इनका तो जो सपोर्ट है वो रहेगी, और ऑब्वियसली सक्सेस प्लेज अ पार्ट एज वेल। तो अगर यूनाइटेड नहीं जीतेगी तो जो किड्स ग्रोइंग अप, अगर तो उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है फैमिली में यूनाइटेड का फैन या लिवरपूल या चेल्सी आर्सेनल जो भी है, तो फिर ऑब्वियसली वो उसी टीम को सपोर्ट करेंगे जो ज़्यादा उस वक्त सक्सेसफुल होगी। आजकल सिटी है, पिछले साल लिवरपूल भी चैंपियंस लीग जीती, तो उसकी वजह से फिर ये इश्यूज़ तो कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि अब जिस तरह मेरा भी बेटा हुआ लास्ट ईयर, अब वो मैं यही चाहूँगा कि वो भी बड़ा हो कि जो है यूनाइटेड फैन ही बनेगा। नेचुरली अब पाकिस्तान में ये है कि अब एक दफ़ा फुटबॉल कल्चर बन रहा है इस तरह, तो अगली जनरेशन को माँ बाप ही फिर उस पर लगा। हाँ, पहले ये होता था कि हमने शुरू किया, हमारे माँ बाप का नहीं था। Yes. अब इस तरह है कि हम शुरू कर चुके हैं, अब आगे से हमारी जनरेशन भी इसका फायदा उठाएंगी। और जैसे बाहर होते हैं मैनचेस्टर लिवरपूल वगैरह में, आप कहते हो कि आप लिवरपूल फैन क्यों थे, कहता है मेरे अबू ने बस मुझे लिवरपूल हाँ बस वो है। पूरी फैमिलीज में होता है वो। सो अब हाउ आर द फाउंडेशंस लेड फॉर MUPS, मतलब एक बहुत ही कमाल इनिशिएटिव। हमने से बात की कि दिस जनरेशन वॉज द रीज़न के फैन कल्चर आया पाकिस्तान में, ऐसा ऐसा हमने ढूंढ के उसको निकाला, बट टू प्रिजर्व दैट सो वेल बाई क्रिएटिंग फैंस, मतलब जो सपोर्टर्स ब्रांचेज होती हैं, और उससे पहले MUPS बिफोर इट वॉज ऑफिशियल, हाउ डिड दैट ऑल स्टार्ट? 2008 में हमारा जो अभी पेज का कोऑनर है मेरे साथ, वो शिरोज नाम है उसका, वो अमेरिका में होता है, तो उसने पेज पहले क्रिएट किया था, और उस वक्त मैं एडमिन ही था पेज पे, मैं आया था 2013 में, सो आई नेवर पोस्टेड दैट वी वॉन द प्रीमियर लीग टाइटल, लेकिन वो आया 2008 में, उसके बाद फिर 4-5 साल बाद जो है उसने मुझे कहा कि एडमिन बनो, तो पोस्ट सर एलेक्स जो है मैं आया, लेकिन उससे पहले पेज के एडमिन्स 3-4 थे, जो नॉर्मली पेज चल रहा था, क्योंकि उस वक्त तो इतना आपको जिस तरह बताया सिटी का तो कुछ था नहीं, ठीक है, लिवरपूल था, पार्कर्स बड़ी देर से है, और हमारा पेज भी है, चेल्सी का पेज भी है, आर्सेनल का भी है 2010-11 से जब तक का मुझे याद है, तो उस वक्त से बस इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके हमने मतलब मैं उस वक्त पार्ट नहीं था, लेकिन जब भी स्क्रीनिंग्स होती थी, और उस वक्त सिर्फ बड़े मैचेस की साल में 1-2 दफ़ा अगेंस्ट लिवरपूल मोस्टली ये स्क्रीनिंग्स होती थी, हाँ तो वो अटेंड की थी मैंने 1-2, लेकिन उसके बाद फिर बस मैं इंग्लैंड गया था, तो वहाँ पे जाके मैंने कल्चर ज़्यादा अब्जॉर्ब किया, उधर मैं रहा 3 साल, तो कमाल कल्चर है बस पे। वो फिर मैंने देखा कि इस तरह वो काम इधर भी होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट तो है ही पाकिस्तान में, वो कहीं भी नहीं जाता जो मर्जी हो जाए, लेकिन फुटबॉल एक ऐसी स्पोर्ट है जो ग्लोबल स्पोर्ट है, जिसके अंदर पाकिस्तान लैक कर रहा है गवर्नेंस की वजह से भी, PFF की, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो क्लब फुटबॉल को तो प्रमोट कर ही सकते हैं, नेशनल नहीं हो रही तो वो उनकी मर्जी है। नहीं, दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो शुरू से जो स्क्रीनिंग्स वगैरह होती थी उसके अंदर ग्रेजुअली आपने देखा होगा कि लोग फिर ज़्यादा आना शुरू हुए जब उनको पता लगा और सब कुछ। फॉर दोज हु स्टिल डोंट नो, व्हाट एग्जैक्टली इज़ एन ऑफिशियल सपोर्टर्स ब्रांच, मतलब कि करती क्या है? हम अभी करंटली पाकिस्तान में ना 6 सिटीज़ में हम ये एक प्रोसेस रन कर रहे हैं, जिसके अंदर यूनाइटेड के जितने भी मैचेस होते हैं वो हम जो उसकी स्क्रीनिंग करवाते हैं, कैफेज़ हमें स्पॉन्सर करते हैं कि आप आएँ हमारी तरफ स्क्रीनिंग करें, तो इससे उनको भी फाइनेंशियल बेनिफिट होता है और उनके लिए तो बिज़नेस ही है, तो वो अपने बिज़नेस को देखते हैं और हम उनको उनके साथ पार्टनरशिप करके, तो हमें ऑफिशियल स्टेटस का असल में ये होता है कि हम यूनाइटेड ने हमें ऑफिशियली रिकग्नाइज़ किया हुआ है कि हम पाकिस्तान में उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, प्रमोशन वगैरह सारा कुछ वो हम हैंडल करेंगे, तो उसका लाइसेंस हमें मिला था 2014 में, और अब 2019 हो रहा है, तो वी आर इन आवर 6th सीज़न नाउ, तो अभी तक तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन वो इसी तरह हमने काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन किया, पहले लाहौर कराची इस्लामाबाद से शुरू किया था, अब छोटी सिटीज़ जो दूसरी हैं वो भी इन्वॉल्व होना शुरू हो गई। सही, दैट्स ग्रेट। मैंने बाय द वे वो ईमेल पढ़ी थी, इट्स ऑनलाइन इफ़ यू डोंट नो, वो एक footballpakistan.com है, उन्होंने लगाई हुई थी कि, और वो ईमेल की स्क्रीनशॉट थी, और वो कमाल थी कि आप लोगों को यूनाइटेड वालों की तरफ से आया कि वी आर वेरी इम्प्रेस्ड बाई योर पोर्टफोलियो। नहीं, उसके बाद ये तो फुटबॉल पाकिस्तान ने लगाई थी मुझे याद है, लेकिन 6 सालों में हमने पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किए, किस तरह के UK के बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स हैं जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया, यूनाइटेड भी स्टैंड एक ऑफिशियल मैगजीन है यूनाइटेड का, उन्होंने भी हमें किया था, इंटरव्यू किया था हमारा, टाइम्स ने किया था, BBC ने पिछले साल इंटरव्यू लिया था हमारा, और अभी पिछले साल वो आई लव यूनाइटेड का इवेंट हुआ था, वो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हुआ था, उसके अंदर यूनाइटेड के प्लेयर्स ने हमें वीडियो भेजी थी मैंशनिंग अस, मैंशनिंग पाकिस्तान एंड विशिंग अस गुड लक फॉर द गेम एज वेल। तो इन 6 सालों में हमें इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मिली है, UK के न्यूज़पेपर से भी, और उससे ऑब्वियसली अच्छा इम्पैक्ट जाता है, और हमारी कोशिश भी यही होती है। नहीं, बहुत वैसे कमाल है टू,
اور یہی میں بائی دی وے سوچ رہا تھا جنرلی بھی کہ ایک ایسا ملک جس کا دنیا میں فٹ بال سے ریلیٹڈ کوئی نام نہیں ہے اور ویسے بھی اگر کوئی اور اس کے اندر ایک اور سب سیکشن بن جاتا ہے جب ایک کلب کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہو ویسے ہی کم لوگ فٹ بال دیکھتے ہیں اس کے اندر سے یونائیٹڈ فینس پکڑو تو اوبویسلی اور کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے ٹو بی سچ اے اسمال گروپ اور فٹ بال ان ٹرمز میں ٹوٹلی ان نون کنٹری سے آپ جا رہے ہو تو ہاؤ ڈڈ یو گیٹ دس آفیشیل اسٹیٹس مطلب کافی مشکل نہیں تھا ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا کلب اینڈ ٹیل دیم کہ دس از واٹس ہیپنگ نہیں فرسٹ آف آل آئی ہیڈ ٹو ای میل دیم تو ان کو کیسی ریزرویشنز نہیں تھی کیونکہ ہمیں اس وقت تو نہیں لیکن تین چار سال بعد جو ہے نا ہمیں انڈائریکٹلی انڈیا کے ساتھ بھی انکاؤنٹرز اس طرح کے ہوئے تھے کہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ ہماری ریپرزنٹیشن نہ ہو کچھ انڈیا میں ایک تو ایسے انسٹنسز تھے جس کے اندر ایسا ہوا تھا سپورٹرز گروپ فرام انڈیا کیونکہ انڈائریکٹ تھا آیا یونائٹیڈ کے تھرو مطلب وہ ماؤتھ پیس وہ یوز ہوا تھا لیکن وہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ یہ اتنا پروگرس نہ ہو لیکن اس کو ہم نے اوور کم کر کے پھر ہم نے جو کام کرنا تھا وہ ہم نے پھر ایونچولی کر لیا تھا وائی ڈو یو تھنک دیٹ کوئی انڈو پاک کیا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فار می یونائیٹڈ فینز ایوری ویئر آر لائک مائی بردرز تو اس سے مجھے کوئی ایشو نہیں تھا لیکن بس وہ چاہتے ہیں کہ اب جس طرح ایک ٹائم زون کا فار ایگزامپل ایک آیا تھا میرا نہیں خیال زیادہ فینس اس بات کا پتہ ہے لیکن ٹائم زون کا ایک پکچر لگاتا تھا یونائٹیڈ جس کے اندر ساری دنیا میں جتنے بھی کنٹریز ہیں نا وہ مینشن کیا ہوتا تھا کہ اس کنٹری میں اس کے ٹائم پہ میچ ہے پھر اس طرح پورا ٹائم زون کا پکچر تھا تو وہ ایک دفعہ ریال میڈرڈ کے ساتھ سپر کپ کا فائنل تھا انہوں نے ہمیں مینشن کیا انڈیا کو نہیں کیا تو وہ پھر ان کو کافی لگی ہوگی انہیں واٹ از اٹ لائک پرسنلی ٹو بی دی چیئرمین آف ایم یو پی ایس فار می اٹس آل اباؤٹ دی ٹیم ایکچولی کیونکہ 6-7 ایڈمنز ہم ہیں ہم شروع سے ہم کام کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ دانیال ہیں وہ کراچی کو بڑی وہ بھی شروع سے اس کو دیکھ رہے ہیں ارباب بھائی ہوتے ہیں وہ اسلام آباد کو دیکھ رہے ہیں اس طرح ہم نے ڈفرینٹ جو لوگ ہیں وہ مطلب سارا کا سارا میں ہینڈل نہیں کرتا وہ اوور سی میں کر لیتا ہوں یہ چیک کرنے کے لیے کون سا کام صحیح ہو رہا ہے کون سا نہیں ہو رہا لیکن جو ہینڈلنگ ہے وہ ان دونوں نے بہت اچھی طرح کی تھی اور جس چیز کو بھی میری مطلب میں نے جس چیز کو بھی ہیلپ کا کہا اس نے کافی زیادہ ہیلپ کی تو اس لیے ایز اے چیئرمین کافی ایگزاسٹنگ ہو جاتا ہے کبھی کبھی مطلب کچھ ایسے پروسیسز ہیں جو ایگزاسٹنگ ہو جاتے ہیں لیکن اوبویسلی میں چاہتا یہی ہوں کہ یونائیٹیڈ کا نام بھی یہاں پہ پاکستان میں بڑھے اور اوور آل جو دنیا سمجھتی ہے پاکستان کا کہ فٹ بال کا بھی اور اوور آل جو امیج ہے وہ بھی بہتر ہو اسی طرح آئی تھنک بہت ہی کمینڈیبل بات ہے ناٹ اونلی کہ اوبویسلی کیونکہ اگر آپ کسی کو بتاؤ کہ ایم یو پی ایس کا چیئرمین یا ایم یو پی ایس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اوپر وہ یونائیٹیڈ کا کے بارے میں اوبویسلی کام کریے تو اوبویسلی ایکسپیکٹڈ ہوگا بٹ ڈو آلسو کنسیڈر اٹ یور ریسپانسبلٹی کہ آپ نے پاکستان اور جنرلی فٹ بال وغیرہ کے لیے بھی کرنا ہے وہ آئی تھنک کافی ایک کمینڈیبل سی بات ہے سو آر یو ان ریگولر کانٹیکٹ ود دا کلب ایز دا چیئرمین ہاں ہاں تو کیا پروسیسز وغیرہ ہوتے ہیں جیسے ای این رش آیا تھا پاک ریڈ تو کیا مطلب اف یو وڈ وانٹ فار ایگزامپل کوینٹونا تو کہیں فرینچ پہاڑوں میں پھر رہا ہوگا بھی اس کی جس طرح کی حرکتیں ہیں لیکن اف یو وڈ ٹو گیٹ وین رونی فار ایگزامپل تو اس کا کیا پروسیس ہوگا وڈ دا کلب کانٹیکٹ یو کہ وین رونی نے اس طرح جانا ہے اور وڈ یو اسٹارٹ دا پروسیس کہ وین رونی شوڈ کم ٹو پاکستان یونائیٹیڈ نے 3 سال پہلے وہ ایکٹیویٹی شروع کی تھی فین ایکٹیویٹی آئی لو یونائیٹیڈ ہیش ٹیگ آئی لو یونائیٹیڈ کے نام سے اور وہ یہ کرتے ہیں کہ ہر سیزن کوئی 3-4 میچز ایسے ہوتے ہیں جو کہ وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں اپنا کرو بھیجتے ہیں اور اپنے 2 لیجنڈ یا 1 لیجنڈ بھیجتے ہیں اور اس کے بعد وہ پورا کا پورا ایونٹ ہوتا ہے اور وہ پیڈ ایونٹ بھی ہوتا ہے صحیح تو یہ ابھی ہمیں انہوں نے ٹیسٹ رن دی تھی لاسٹ ایئر اگینسٹ چیلسی اپریل میں آئی لو یونائیٹیڈ کا ایونٹ ہوا تھا یہاں پہ اور وہ ہمارے لیے بہت بڑی بات اس لیے تھی کہ ہم میں پرسنلی 2 سالوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آئی لو یونائیٹیڈ پاکستان میں آئے کوئی لیجنڈ آئے لیکن انہوں نے پہلے ہمیں ٹیسٹ رن اس لیے دی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ سیکیورٹی کے جو اصل میں ہے اور جو پرسیپشن ہے وہ ڈفرینٹ تو ہے لیکن وہ پرسیپشن کو فالو کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ ٹیسٹ رن لے لو ابھی تو ہم کوئی لیجنڈ نہیں بھیجیں گے باقی سارا کچھ ہوگا لیکن آپ ٹیسٹ رن لو ابھی اف اٹس اے سکسیز تو کیونکہ ان کو یہ بھی نہیں نا پتا کہ یہاں پہ فینس کتنے میں پکچرز وغیرہ تو بھیج دوں لیکن انہوں نے لائیو دیکھنا تھا انہوں نے اپنا کیمرہ بھی بھیجا اپنے سارے کچھ جو ریسورسز بھیج سکتے تھے بھیجے اور انہوں نے پھر ایونٹ یہاں پہ کروایا اور وہ سکسیزفل تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم اس سیزن جو ہے ہم ٹرائی کریں گے کسی لیجنڈ کو بھیجیں کیونکہ انڈیا آ چکے ہیں رائٹ انڈیا کافی جا چکے ہیں لیورپول کے بھی اور یونائیٹیڈ کے بھی 2 یا 3 ایونٹ ادھر ہو چکے ہیں اور اب کوشش یہ ہے کہ اس سال جو ہے پاکستان میں کچھ ہو
हाँ बहुत ज़रूरी है कि हो, क्योंकि उनका वेस्टर्न परसेप्शन ये है कि पता नहीं खेतों में हम बैठे होते हैं और एक टीवी है बस और हम मैच देख रहे हैं। परसेप्शन असल में वो बाहर से भी आता है ना, कि जिस तरह सोशल मीडिया प्रेजेंस किसकी ज़्यादा है तो वो भी हम शर्माते हैं अपनी सपोर्ट दिखाने से भी। मैं बड़ी दफ़ा पेश भी बोल चुका हूँ ये बात, लेकिन वो इशू होता है इसमें भी ना कि हर बंदा कहता है कि नहीं यार मैं तो इतना बड़ा फ़ैन हूँ मुझे क्या ज़रूरत है। अब यूनाइटेड ने कॉम्पिटिशन किया हुआ स्टार्ट, जिसके अंदर हैशटैग आई लव यूनाइटेड अंडरस्कोर पीके, हम ये अगर ट्वीट करेंगे इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे तो जिसके सीज़न एंड पे सबसे ज़्यादा होंगे उस कंट्री में एक लेजेंड आएगा। और ये मैंने बार बार बोला भी है। अच्छा। और ये कोई छोटा मोटा लेजेंड नहीं, बड़े वाले मतलब हाँ एरिक एंटेना का आपने बोला, पीटर श्माइकल भी, ये सारे आते हैं दूसरी कंट्रीज में भी आए हैं। अभी इजिप्ट जीता है पिछले सीज़न का, तो इजिप्ट में भी आएगा कोई ना कोई। लेकिन वो हमारे फैंस जो हैं उनमें शर्म बहुत ज़्यादा होती है कि नहीं हम ट्वीट नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर इस तरह एक बंदा कितना कुछ करे। दैट्स ट्रू। नाउ मूविंग ऑन टू द मोर पेनफुल साइड ऑफ द कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग यूनाइटेड ऑफ टुडे, मैं फुटबॉल देखना जब मैंने शुरू किया मुझे फ्रेंकली यूनाइटेड से नफरत थी, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कैन गिव यू, क्योंकि मैच देखते हुए ना आप बंदा खुश भी नहीं हो सकता था अगर आप लोग हार रहे होते थे, क्योंकि यही था कि इन्होंने 90th मिनट पे गोल कर देना और फर्गसन या किसी और का कोट था कि मतलब कुछ अगर कॉन्टेक्स्ट उसका लिया जाए तो यही था कि हम हारते नहीं है बस टाइम ख़त्म हो जाता है अगर हम कभी मतलब ये हो, क्योंकि वो डिसाइड खुद ही करते थे कि कब क्या होना है और कब कुछ होना है। एंड टू बी सो डोमिनेंट फॉर 25-30 years एंड टू go for it to go downhill so fast, ये कैसे हुआ है do you think, कि फर्गसन के जाने के बाद एकदम से सब कुछ ही तबाह हो गया? बैड गवर्नेंस, असल में पहले भी बैड गवर्नेंस थी सर एलेक्स के उनके टेन्योर में भी, लेकिन वो सर एलेक्स फर्गसन की जो ब्रिलियंस थी एंड स्पेशली बिकॉज ही स्पेंड 18-19 years एट दैट टाइम, ओवरऑल तो 26 था लेकिन एट दैट टाइम ऐसा वो स्ट्रक्चर बना चुका था कि आगे से हमें जाके कोई मसला नहीं हुआ। अकेडमी को भी सर एलेक्स देख रहे थे, उसके बाद फिर फर्स्ट टीम भी, फिर यूथ टीम भी, फिर सीनियर, हर जो पार्ट था क्लब का वो सर एलेक्स जो है ओवरसी कर रहे थे, तो हमें ऐसा कुछ कभी मसला नहीं हुआ। डेविड गिल वाज मतलब उन्होंने भी कोई बुरा काम ऐसा नहीं किया, लेकिन हम जितना कर सकते थे तो हमें करना चाहिए था, हमने उस वक्त भी नहीं किया, जिसकी वजह से अभी हमें उसके जो हैं वो पेनफुल सर्कमस्टेंसेज जो हैं वो देखने पड़ रहे हैं। तो उस वक्त ही बैड गवर्नेंस थी, अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, जिससे मैं नहीं देख रहा कि अगले 4-5 सालों में एटलीस्ट जो है कोई उसमें बेहतरी आती है। सो 968 million pounds स्पेंट सिंस 2013 व्हेन सर एलेक्स फर्गसन लेफ्ट, डेविड मॉयज, लुई वैन हाल, जोसे मोरिन्यो एंड सोलशायर ऑल रिलेटिवली बैक्ड इन द ट्रांसफर मार्केट। यूनाइटेड करेंटली हैव द हाइएस्ट वेज बिल इन इंग्लैंड, even more than Manchester City who have the most star-studded squad. 2018 के अगर हम figures देखें तो 296 million wage bill था United का और City का 260 million था. और wage bill का एक correlation ये होता है कि obviously अच्छा player होगा उसको ज़्यादा पैसे देंगे, तो लेकिन United का it's not even the fourth best squad in the league. So it is it all down to bad governance of the Glazers of Woodward? और इज इट डाउन टू सम अदर लाइक के मैनेजर्स ने बुरी कॉल्स की या फिर प्लेयर्स चले नहीं और एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट दैट इज अपार्ट फ्रॉम वुडवर्ड एंड ग्लेजर्स? मैनेजर जो भी हो ना उसको मेरे नज़दीक एटलीस्ट 2 summer windows फुली बैकिंग उसको मिलनी चाहिए, और उसके अंदर कोई अगर फॉर एग्जाम्पल लुई वैन गाल वांटेड मुलर, वो नहीं आया तो अगले सीजन हमने कोशिश की थी माने खरीदने की, जो कि बाद में लिवरपूल किया, उसने उस वक्त वो ऑन स्ट्राइक भी किया कि यूनाइटेड के जो ट्रांसफ़र है वो हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। और फिर आप जब दो टारगेट्स हैं ए बी सी ऑप्शन है, आप कुछ भी नहीं लेके दे रहे, उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वही बंदा जो है वो उसी के साथ चलता रहे, तो फिर इस तरह क्लब नहीं चलता। मनी स्पेंड वेज बिल तो इसलिए ज़्यादा है कि जब हमारी सक्सेस नहीं थी तो एडवर्ड ने समझा कि चलो पैसे ज़्यादा दे दूंगा तो प्लेयर आ जाएगा। प्लेयर तो आ जाता है, एनखेल डी मरिया भी आया, फलकाओ भी आया, हमने बड़े हाउसहोल्ड नेम साइन किए हैं पिछले 6 सालों में, लेकिन जब आप पैसे दे के लाते हो तो फिर आपको वो कमिटमेंट नहीं मिलती, जिसकी वजह से इस साल जो है हमारा बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, जो हमारी साइनिंग्स की अप्रोच और वेज बिल वगैरह भी और जो हमारी स्काउटिंग थी वो इस साल बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग्स रिन्यूअल्स वगैरह भी, जिसकी वजह से मैं इस सीज़न एटलीस्ट पॉजिटिव हूँ ऑफ द पिच। ऑन द पिच तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हैं, वो तो एक सीज़न में नहीं जाएंगी, लेकिन ये पैसे अगर आप लगाते हो तो फिर उनको टाइम भी दो ना सही होने का, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो
what you said about ke bade player aaye hain high profile and I remember Falcao, Di Maria, Ibrahimovic, Mata jab aaya tha tab bahut acha chal raha tha, Depay us waqt hi Janu Jai ki kafi hype thi even though he wasn't a household name, kafi Pogba, kafi bade bade players aaye hain, but at the same time they have all more or less failed individually. और इसका तो आई डोंट थिंक गवर्नेंस पे कुछ जा सकते क्योंकि पिच पे उन्होंने डिलीवर करना था और उन्होंने नहीं किया फॉर वट एवर रीज़न. आप बस आर्ग्यू कर सकते हो कि इब्राहिमोविच एक सीज़न के लिए चल गया था, पोगबा हैज शोन फ्लैशेज ऑफ हिज ब्रिलियंस, लेकिन किसी का आप ये नहीं कह सकते कि यूनाइटेड आके स्पेशली अलेक्सिस सैंचेज के आप आके ये नहीं कह सकते यूनाइटेड के बाद जाके हिज करियर के टॉन. तो व्हाट डू यू थिंक कि कोई ट्रेनिंग ग्राउंड में कुछ गलत है क्योंकि इसका तो वुडवर्ड वगैरह इसका वुडवर्ड से ऐसे लिंक है कि आप देखेंगे कि कोई भी प्लेयर आता है ना स्पेशली फॉरेन लीग से तो उसको टाइम तो अडेप्टेशन में लगता है. सही है, कुछ प्लेयर्स हैं जो कि डायरेक्टली अडेप्ट कर जाते हैं वो उन पे हैं, लेकिन इस तरह आपने फॉर एग्जांपल अदनान जानुसाई की बात की, वो प्रोग्रेस हुआ डेविड मॉयस के सीज़न में, हमारी अकेली जो शाइनिंग लाइट थी वो अदनान जानुसाई थी उस सीज़न में, और उसी सीज़न मॉयस सैक हो गया. मतलब एक मैनेजर आपकी कोचिंग कर रहा है, 8 महीने बाद वो सैक हो जाता है, फिर 4 गेम्स के लिए गिग्स आया उसने भी कोचिंग की, फिर गिग्स फारिग हुआ, फिर वैन खाल आया. अब डिफरेंट जब मैनेजर आता है उसके डिफरेंट पर्सनालिटीज उसको पसंद होती हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग होती है, डिफरेंट सारे टैक्टिक्स वगैरह होते हैं. उसने अदनान को भेज दिया, लोन पे भेज दिया, बोरुसिया डॉर्टमुंड चला गया, उधर डिफरेंट कोच आ गया. मतलब आप देखो कि एक यंगस्टर है 19 साल का, बहुत ज़्यादा उसके 20 एज का जब था तो उसका 4th कोच था बोरुसिया डॉर्टमुंड में जाके. अब इतने कोचेज में कोई प्लेयर प्रोग्रेस नहीं करता. तो उसके बाद जब वापस आया तो फिर वैन खाल भी चला गया, फिर वो जोसे मोरिन्हो आया, वो उसका 5th मैनेजर आ गया. तो इस तरह करके जो है वो एक प्लेयर जो है 2 सीजन्स में, हमारे बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको 2-3 सीजन जितने सीजन वो यहाँ पे रहे उनको बहुत डिफरेंट डिफरेंट कोचेज मिले हैं. तो ऐसे कोई प्लेयर जो है प्रोग्रेस नहीं कर सकते, स्पेशली स्पेशली अगर ऐसे पूरा ओवरऑल हुआ स्क्वाड का. अगर तो हमारे 11 में से 9 प्लेयर्स परमानेंट रहते, 2 नए आ जाते, चलो वो कल्चर देख के सीख जाते हैं, लेकिन पूरी टीम हमने स्क्वाड कितनी दफ़ा ओवरऑल की है, पूरी कोर चेंज. हाँ, स्पेशली कि आप देखते थे एलेक्स फर्गसन के अंडर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कोर होती थी, और वो ही वॉज द मास्टर एट रिफ्रेशिंग द कोर. मतलब कि वो 4-5 साल के लिए ही सेट दिस इन 2010 या 2011 कि अ टीम इज़ ओनली गुड फॉर अ साइकिल ऑफ 4 ईयर्स और उसके बाद रिफ्रेश. और वो इतने कमाल तरीके से रिफ्रेश करते थे, और वो ये होता था कि तब आप सोच रहे थे कि इसने क्यों किया, जैसे वैन निस्टेलरॉय, बेकहम, लेकिन ही वॉज थिंकिंग वे अहेड ऑफ एवरीवन एल्स. और ऐसे ऐसे मौके भी आए हैं कि ही साइंड समवन वन विंडो बिफोर बिकॉज ही एंटिसिपेटेड कि अगली विंडो में ये हो जाना है, जैसे बर्बटॉफ का केस. अगर आप ये अच्छी गवर्नेंस होती है ना, अभी हमारा जो केस है, हमारा जो डेडवुड अभी भी हमारे क्लब में है जो कि 3 साल पहले रिप्लेस होना चाहिए था, वो अभी भी है. हम उनके रिप्लेसमेंट्स तो बाद की बात है ना, वो तो हम करते ही नहीं, वो तो अभी जो हमने बेचे उनकी रिप्लेसमेंट्स भी नहीं ली. तो ये बैड गवर्नेंस मैं इसलिए कह रहा था कि जब आपको रिप्लेसमेंट नहीं ले रहे, जब आप स्क्वाड को फ्रेशन अप नहीं कर रहे, जब आप हर 2 साल बाद, 3 साल बाद, या अब जिस तरह ओले सोलशायर जा रहे हैं, अगर ये 1 साल बाद भी चेंज होता है जिसको 1 साल भी नहीं हुआ अभी, तो क्या वो सक्सेस या कंटिन्यूटी आप चेक करना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर ओले की बात करें तो फिर 1 साल भी उसको नहीं हुआ, 1 समर विंडो उसको मिली है, 3 साइनिंग्स उसने की हैं और तीनों की तीनों अभी तक अच्छी जा रही हैं, और वो शो करता है कि उसका जो प्रोसेस है, उसका जो कल्चर चेंज पूरी, क्योंकि पूरा कल्चर चेंज हमने किया है. वेश पेल जिस तरह आपने मैंशन किया, हम उसको कोशिश करें कि नीचे लेके आएँ, जिसकी वजह से हमने डेडवुड भी बाहर निकाले, जो लोग नहीं अपने पूरा दे रहे उनको हमने फिर बाहर भी भेजा, बेशक हमें खुद से पे करना पड़ा. फॉर एग्जांपल अलेक्सिस सैंचेस, उसका 45% हम पे कर रहे हैं, लेकिन वो प्लेयर जब क्लब में रहते हैं तो वो ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव होते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के रिस्क लेने पड़ते हैं. अभी हमने जो 6 सालों में गलतियाँ की हैं, अगर अब भी जाके अकल आ रही है तो इट्स नेवर टू लेट. या दैट्स ट्रू. और अब फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस फर्गसन लेफ्ट, एक आपको इस समर में नज़र आया है कि एक कंसिस्टेंसी है ट्रांसफर्स में. आप कह सकते हो कि अच्छा, देर लुकिंग फॉर दिस टाइप ऑफ प्लेयर, एक यंग प्रॉमिसिंग प्लेयर है, जो सिर्फ ये भी नहीं है कि अभी पता नहीं करेगा या नहीं, लेकिन इतना है कि यूनाइटेड के लिए खेल ले और ही विल स्टार्ट. बट एट द सेम टाइम ही इज़ नॉट अ हाउस होल्ड नेम जो आके कहेगा कि भाई बस मैं ही हूँ और सब कुछ देखी जाएगी. ये बहुत ज़रूरी होता है. तो बैड गवर्नेंस की आपने बात की, that obviously involves the Glazers and Ed Woodward. Glazers took over around 2005. They won several titles and won Champions League. And मतलब जब Alex Ferguson था. और फिर एकदम से आपने देखा है कि governance इतनी बुरी थी
कि एक बंदे की जाने की वजह से सब कुछ मैं मतलब आपको गवर्नमेंट से एक एग्जांपल देता हूँ कि एंडरसन जब लिया था, एंडरसन के बाद हमारा अगला मिडफील्डर कौन था आप बताएं जो खरीदा था? जी आई हैव नो आईडिया, मारवान फेलाइनी। अच्छा यस, इसने साल एक मिडफील्डर भी लिया विदाउट वन सेंट्रल मिडफील्डर, और फ्लेचर, कैरेक, स्कोल्स ये सब खेल वो रहे थे। तो पहले थे ना, वो खेली जा रहे थे। गिग्स को भी सेंटर में लेके आए, स्कोल्स को हमने रिकॉल किया, पॉगबा को हमने बेचा। मतलब उस वक्त भी मैं आपको बता रहा हूँ कि बैड गवर्नेंस हमारी थी, बट दैट वाज ओवरशैडोड बाय सर एलेक्स फर्गसन। तो दैट वाज ओवरशैडोड बाय, डू यू थिंक हिम बीइंग एन एक्सीलेंट मैनेजर और हिम टेकिंग केयर ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ द क्लब, कि उन्होंने बस सब कुछ संभाला था। ही अर्न द राइट टू टेक एवरीथिंग, टेक केयर ऑफ एवरीथिंग अबाउट द क्लब। तो उन्होंने इवेंचुअली फिर सब संभाला हुआ था, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। फिर आप प्लेयर्स रिफ्रेश करने की बात कर रहे थे, सर एलेक्स ने सिर्फ उसमें जीनियस नहीं थे, उन्होंने भी अपना जो कोचिंग स्टाफ था उसके अंदर भी काफ़ी रिफ्रेशमेंट्स लेके आए। मतलब पहले कार्लोस क्विरोस था, वो चेंज हुआ, रेने वुलियंस्टीन आया, माइक फिलन आया, तो इस तरह हम वो भी चेंज करते रहते, क्योंकि नई कोचिंग स्टाफ जो है वो फिर न्यू आइडियाज़ लेके आती है, और वो उस तरह मैनेजर जो होता है एग्जिस्टिंग उसके अंदर भी उसकी भी प्रोग्रेशन ऐसे होती रहती है। तो सर एलेक्स ने बड़ी अच्छी तरह हैंडल किया हुआ था, लेकिन अब वो कहाँ हर साल मिलते हैं। सही बात है भाई, अब रिफ्रेश करने की जहाँ तक बात है, एक बंदा जो रिफ्रेश नहीं हो रहा वो है वुडवर्ड। और समझ आता, लाइक आई हैव हर्ड दिस अलॉट के ठीक है, ही इज़ अ फाइनेंस मैन और वो इसलिए रखा है, फुटबॉल का इतना ताल्लुक नहीं है। बट डिस्पाइट हिम बीइंग अ फाइनेंस मैन फॉर सिक्स ईयर्स, ही हैज़ डन थिंग्स दैट हैव कॉज द वेज स्ट्रक्चर टू बी व्हाट इट इज़, और वो फाइनेंसिस में ही आता है। इट इज़ द वर्स्ट इन द लीग, और वो ही इज़ द फर्स्ट वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। दूसरा के ठीक है, फाइनेंस अपनी जगह और फुटबॉल, लेकिन इजंट अ टीम सक्सेस रिलेटेड टू फाइनेंस? मतलब कि मैंने सुना ये है कि ग्लेजर्स डोंट केयर अबाउट फुटबॉल, उनको फाइनेंस का पता है। बट अगर यही केस होता तो फिर बाकी क्लब्स भी मोर और लेस फाइनेंशियल एस्पेक्ट ही देख रहे होते हैं। लेकिन वन ऑफ द रीजन इज कि जब आप एक सक्सेसफुल साइड होते हो तो आपका फाइनेंशियल सिचुएशन भी और फाइनेंशियल हेल्थ भी इतनी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो इजंट इट इन देयर इंटरेस्ट कि टीम बेहतर हो, और मतलब ठीक है पैसे अगर उन्हें कमाने हैं और पैसे कमाएं। उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसलिए भी समझ नहीं आती क्योंकि यूनाइटेड इज़ अ हाउस होल्ड नेम अभी भी, और अगर हम इसी हालत में रहे तो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स हमारा क्लब अभी प्रॉफिटेबल है और रहेगा, एटलीस्ट फॉर द 10 ईयर्स अगर इस तरह की हालत रहे। तो उनको इसलिए इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि अब 10 साल बाद भी अगर वो क्लब बेचते हैं तो उस वक्त भी उनको बड़ा अच्छा मिलेगा। तो उस वक्त अगर मतलब ये साल के डिविडेंड्स लेके जाते हैं 90 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक लेके जाते हैं पूरी फैमिली जो है डिविडेंड्स, इतना तो ट्रांसफर्स भी नहीं लगता जितना वो लेके चले जाते हैं और एक एक इंडिविजुअल लेके जा रहा है। तो इसीलिए तो हमें फिर एज फैंस जो है गुस्सा चढ़ता है कि हमने लुई वैन गाल के अंडर भी कहा कि उसने 300 मिलियन स्पेंड किया ओवर 2 सीजन्स, जोसे मोरिन्हो 250 मिलियन ओवर 2 सीजन्स, ओले सोलशायर 130 मिलियन इन 1 सीजन। पैसा तो हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम जितना अर्न कर रहे हैं उतना बिल्कुल भी नहीं लगा रहे, उसका 20% भी नहीं हम लगा रहे। हाईएस्ट टर्नओवर है यूनाइटेड का आई थिंक पूरी दुनिया में। हाँ, अगर... तो उसको हमने कभी भी कैपिटलाइज नहीं किया, और सिर्फ बात पैसे लगाने की नहीं होती, बात अच्छी पर्सनैलिटीज़ की, अच्छे प्लेयर्स की, और वो प्लेयर्स जो कि आपके सिस्टम को सूट करें, वो प्लेयर्स जो मार्केट सेलर्स हों वो नहीं हमें चाहिए। मतलब एलेक्सिस सैंचेज आया, ठीक है, आई लव सैंचेज, शर्टें बिकवाने वाली बात, बस वही ना, फिर फ़ायदा नहीं होता है इस चीज़ का। तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू मेक, के जो आपके प्लेइंग स्टाइल है और स्ट्रक्चर है उसके साथ आपका साइनिंग जो है मैच करनी चाहिए। इससे बहुत ज़रूरी जो आजकल चीज़ चल रही है मॉडर्न फुटबॉल में, डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल वाला जो स्ट्रक्चर आ गया है ऑफ सम सॉर्ट, ही मे नॉट बी कॉल्ड अ डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल, लेकिन उस टाइप का मॉडल हर जगह जो है वो चल रहा है। लिवरपूल में माइकल एडवर्ड्स है, सिटी में जीकी बगिरिस्तान है, यूनाइटेड में एड वुडवर्ड ही है सिर्फ। एंड आई डोंट थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस के इवन बार्सिलोना एंड डॉर्टमुंड वगैरह ये सारे क्लब जो ये मॉडल को फॉलो करते हैं, दैट दीज हैव बीन द मोस्ट सक्सेस, वन द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब्स ओवर द लास्ट 6 or 7 years। और यूनाइटेड उसी टाइम पे क्योंकि वो मॉडल फॉलो नहीं कर रहा था वो नीचे चला गया। तो फाइनेंशियल सिचुएशन वगैरह अलग रख के वुडवर्ड के नीचे एक इस तरह का बंदा क्यों नहीं? इट्स नॉट दैट हार्ड कि आप बस इस तरह के एक स्ट्रक्चर चेंज कर दो, ग्लेजर्स के जेब से कुछ भी नहीं जाएगा। मैंने इसीलिए आपको कहा है कि अभी जो हमारी हालत है उसको ठीक होने में एटलीस्ट 45 ईयर्स लगेंगे अगर अब चेंजेस आते हैं, लेकिन चेंजेस आने का बिल्कुल करीब करीब ही नहीं लग रहा। वो इसलिए कि हमारे फैंस बहुत कहते हैं हमें डायरेक्टर फुटबॉल चाहिए, मैं भी कहता हूँ कि चाहिए, लेकिन अगर कोई आता है तो उसका फ़ायदा क्या है? क्योंकि इवेंचुअली एड वुडवर्ड ने ही अपनी चलानी है,
तो पावर पावर ईगो है बहुत बड़ी, उससे संभालना ईगो ईगो आती है। अब जिस तरह आप अभी डायरेक्टर फुटबॉल की बात कर रहे हो, अभी जब ओले सोच से आया था तब एकदम से आया कि डायरेक्टर फुटबॉल आ रहे हैं, लेकिन जो नेम्स रूमर हो रहे थे वो कौन हो रहे थे? डैरन फ्लेचर, ग्रेट प्लेयर, आई लव हिम, लेकिन जीरो एक्सपीरियंस। वो सारे के सारे अच्छे प्लेयर्स थे अपने टाइम पे, लेकिन एक्सपीरियंस क्या है? वो सिर्फ इसलिए था कि उन्होंने एक पपेट रखना था जो जिसको पब्लिक के सामने लाया जाए कि ये लो फैंस तुम्हारा DOF, कोई मसला होता तो तुम इसको बोलो। लेकिन करनी एडवर्टमेंट अपनी है। अभी तो वेंडर साहब एक बड़ा अच्छा कैंडिडेट है, लेकिन वो भी आ जाए तो क्या होगा? जब चलानी ही एडवर्टमेंट अपनी है। इसी को तो मैं बैड गवर्नेंस कह रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ऐसे बंदे को कैसे रख सकते हो जिसने 7 साल में 4 मैनेजर्स बदले हैं, मतलब 4 मैनेजर भी उसने हायर किए हैं ना, तो अगर वो फेल हुए हैं तभी आपने सैक किए हैं और उसको फुटबॉल का कुछ भी नहीं पता। हाँ, तो 7 साल में आप 4 मैनेजर सैक कर रहे हो, आपकी गलती है जो सैक कर रहे हो, वो अपनी मर्जी से तो नहीं जा रहे। ऐसा तो नहीं हुआ था जोसे मरीनियो को रियल मैड्रिड की ऑफर आई तो वो उधर चला गया, हमने सैक किया। तो एक बंदा जिसको मतलब 7 साल के पीरियड में 4 सैकिंग्स हुई हैं, तो वो अभी भी उसकी पोजिशन उतनी ही स्ट्रांग है जितनी 7 साल पहले थी। तो ये बैड गवर्नेंस। फिर लास्ट ईयर हमारा एक हेड स्काउट था जो कि बड़ा अच्छा चल रहा था, हावियर रिबाल्टा नाम था उसका, और उसको हम चाह रहे थे कि डायरेक्टर फुटबॉल बनाएं, लेकिन इवेंचुअली नहीं बनाया क्योंकि वो नहीं चाह रहा था कि एडवर्ड जो है मेरी अथॉरिटी को चैलेंज करें। सही, उसने की और वो छोड़ के जेनिथ सेंट पीटर्सबर्ग चला गया, वहाँ का DOF जाके बन गया वो। तो इस तरह जितने भी अच्छे बंदे जाई जा रहे हैं, कोई आ नहीं रहा, वो इसलिए आते जाते रहते हैं क्योंकि एडवर्ड जो है वो किसी की सुनता नहीं। तो मैं अभी भी यही कहता हूँ कि अभी भी फैंस कहते रहते हैं DOF आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो नहीं कुछ होगा ठीक, इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब तक एडवर्ड है उधर कुछ भी नहीं ठीक होने वाला। तो क्या कुशू करना चाहिए क्या? जिस तरह आप लोगों का चल रहा था, मतलब हिक्स एंड जिलेट का बड़ी देर चलता रहा, लिवरपूल फैंस ने कितनी देर शोर डाला कि वो जाएं जाएं जाएं, और एडमिनिस्ट्रेशन में क्लब ऑलमोस्ट चला गया। हाँ, वो काफ़ी बुरे हालात थे, 6-7 हर साल आ रहा था, टॉप 4 भी नहीं हो रहा था लिवरपूल का, लेकिन इवेंचुअली किस्मत अच्छी थी, अच्छे ओनर्स आ गए, फुटबॉल साइड को भी देखना शुरू कर दिया और फिर वो क्लब प्रोग्रेस हुआ। फिर 5 साल में भी रिसेंट जो है जब से क्लॉप आए, वो प्रोग्रेशन इसीलिए होती है क्योंकि एक फुटबॉल हेड जब ऊपर होता है उसको पता होता है कौन सी साइनिंग करनी है कौन सी नहीं करनी। एडवोकेट को तो नहीं पता, उसको तो नहीं आइडिया इन चीज़ों का, लेकिन अब इसीलिए हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं फिलहाल, और वो यही है कि एडवर्टबर्ड चला जाए, क्योंकि 4 DOF लाके बिठा दो ऊपर, जब वो एडवर्टबर्ड अपनी मर्जी चलाएगा तो उनका कोई फ़ायदा नहीं, वो सिर्फ पपेट्स हैं। और लिवरपूल की आपने बात की वो काफ़ी मतलब के रेलेवेंट है, क्योंकि और मैं इसको यूनाइटेड से इस तरह लिंक करना चाहता हूँ कि जब FSG आए हिक्स एंड जिलेट से, उन्होंने बचा के खरीद लिया, तब नॉट एवरीथिंग वॉज रोजी, क्योंकि पहले कैनी डगलिश ही वॉज बैक, फिर उन्होंने कहा कि हमें नई फ्रेश एक चाहिए, ब्रेंडन रॉजर्स इम्प्रेस थे, उन्होंने उसको लिया। अब बेयर इन माइंड के FSG भी जो है एड वुडवर्ड की तरह फुटबॉल का उन्हें कुछ भी नहीं उस वक्त पता था, वो बेसबॉल की साइड से आ रहे थे, बट दे वर विलिंग टू लर्न, और उनकी ईगो इतनी नहीं थी कि वो जाके कहें कि रॉजर्स को कि हम ये कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो भी साथ साथ सीख रहे थे और रॉजर्स भी सीख रहा था, और उनकी बात ऐसे सच नहीं बनी बिकॉज अभी उनको स्ट्रक्चर का नहीं पता था कि किस तरह रखना है, डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल क्या होता है, सब कुछ। तो इट टुक अ मैन लाइक यर्गन क्लॉप हु हैज़ ऑल हिज लाइफ गॉन टू क्लब्स एंड रिवाइव देम फॉर हिम टू कम। और फिर क्लॉप ने सिर्फ ऑन द फील्ड, तो अब हम देखते हैं ना कि लिवरपूल यहाँ से यहाँ पहुँच गई है, मैं आपको बता रहा हूँ ऑफ द फील्ड जितना उस बंदे ने काम किया है ना लिवरपूल का स्ट्रक्चर कल्चर इमेज सब कुछ चेंज करने में, वो मेरी लाइफ में और मेरे ख्याल से जो पुराने अब शैंकली वाले एरा में जाए ना उसके बाद सिर्फ इसी ने किया है, क्योंकि उसने अब ये कर दिया है कि ही वॉज बिग इनफ फॉर हिम टू से टू FSG के भाई मैं यर्गन क्लॉप हूँ, दिस इज़ माई पोर्टफोलियो, मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह करना चाहिए, एक तो आपको फुटबॉल का नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ, माइक जो क्या सकते माइकल एडवर्ड्स ठीक है, मैं ट्रांसफर कमेटी वगैरह के लिए इसके साथ काम कर लूँगा, बट दिस इज़ हाउ इट शुड वर्क, के फाइनल से मेरी होनी चाहिए, पूरा उसने क्लब का स्ट्रक्चर रिवाइव किया। तो दिस इज़ व्हाट आई मीन के ठीक है, एक एलेक्स फर्गसन आया, उसने सब कुछ संभाला हुआ था बिकॉज ही कुड, बिकॉज इट वॉज हिज ब्रिलियंस, यर्गन क्लॉप ने आके सब कुछ समेटा है संभाला है और कहा है कि दिस इज आवर शुड वर्क, मैंगर ने भी ये किया हुआ था आर्सेनल के लिए। टू यूनाइटेड नीड समवन हु इज अ बिग नेम, हु इज एन एस्टैब्लिश्ड कोच, नॉट लाइक मुरीनियो, क्योंकि मुरीनियो डायनेस्टी कहीं नहीं बनाता, मुरीनियो इज अ शॉर्ट टर्म वो बंदा,
someone who comes aur 7-8 saal ke liye he is big enough to say to the Glazers ke this or Edward Woodward ke this is how it will work, ye agar nahi karoge to kuch nahi banne wala, and he is big enough for them to say theek hai bhai karo. Yeah, do that's not going to happen. नहीं ये अभी तो नहीं होने वाला क्योंकि आप बड़े नाम की बात कर रहे हो. मोरिनियो ठीक है दो साल से ज़्यादा एक क्लब में नहीं रहता, लेकिन उससे पहले वैन गाल था, वो हाउस होल्ड नेम था और उसका तो इस तरह का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी रह चुका हुआ है कि क्लब्स में वो अपना पूरा सिस्टम और स्ट्रक्चर लेके आता है. क्योंकि पहली चीज़ तो उसने आके की थी वो ट्रेनिंग ग्राउंड में जो है वो दरख्त लगाए थे कि यहाँ पे हवा ज़्यादा आती है तो हमारी ट्रेनिंग ख़राब होती है. हाँ, तो वो पहला काम उसने ऐसा किया था और ये सारा कुछ देखना पड़ता है हर बंदे को. लेकिन वो भी जितना मर्जी पड़ा था इवेंचुअली यूनाइटेड की जॉब जितनी देर हम ट्रॉफीलेस जाएंगे, और ट्रॉफीलेस का मतलब प्रीमियर लीग ट्रॉफीलेस और चैम्पियंस लीग ट्रॉफीलेस दूसरी ट्रॉफीज आ गई हैं, लेकिन वो हम एज प्रोग्रेशन नहीं यूज़ कर सकते उसको. तो जितनी लंबी देर ये चलता रहेगा उतने ज़्यादा मुश्किल जो है अगले मैनेजर की जॉब होती जाएगी. अभी ओले गुनर सोचते रहे फर्स्ट विंडो थी उसको पूरी तरह बैक करना चाहिए था कि एरियाज कुछ एड्रेस किए कुछ रह गए, लेकिन वो कुछ रहने की वजह से कपल्ड विद इंजरीज हमारा जो स्टार्ट है सीज़न का वो अच्छा नहीं हुआ. लेकिन इवेंचुअली अब अगले साल जो है फिलहाल तो इसको सैक नहीं करना चाहिए, और फिलहाल मैं ये भी चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि कोई ऐसी प्रोग्रेशन कंटिन्यूटी आए कि ये सीज़न एटलीस्ट निकाल जाए और अगले सीज़न जो है वो समर विंडो उसको अच्छी मिले फुल बैकिंग के साथ, और उसके बाद फिर इसको जज करना चाहिए बिफोर टू समर विंडोज़ जो है. क्योंकि जितना गन था अभी स्क्वाड में हमने मेरा जो था अजम्पशन वो ये थी कि दो या तीन डेडवुड वाले प्लेयर्स निकालेंगे, लेकिन हमने 5-6 निकाल दिए जो कि मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था और प्लीजिंग भी था. लेकिन अभी भी 3 हैं जो यहाँ पर नहीं होने चाहिए, और इवेंचुअली अब अगले साल वो भी निकल जाएंगे तो फिर हम क्लब का जो है आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करते रहेंगे. तो डेडवुड निकाला है, वन डेडवुड एंड प्लेयर्स हु डिड नॉट वांट टू प्ले फॉर यूनाइटेड, सो पीपल लाइक लुकाकू. लेकिन अब एक बहुत बड़ा मसला है कि लुकाकू चला गया, सैंचेस खेलता ही नहीं था लेकिन वो भी चला गया. यू नाउ हैव ओनली मार्कस रैशफोर्ड एंड एंथनी मार्शियल टू लीड द लाइन. एंथनी मार्शियल आते हैं कभी नहीं आते हैं, वो इंजरी का मसला है. रैशफर्ड इज येट टू प्रूव हिमसेल्फ एज अ गोल स्कोरर जो आपको 15-20 गोल प्रीमियर लीग में देगा. तो क्या सोच के, क्योंकि सोलशायर मैनजुकिच का नाम लिखता बट सोलशायर थॉट के इट इज़ बेटर टू नॉट हैव लुकाकू बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस दैट ही विल हैव ऑन द ड्रेसिंग रूम वगैरह. इन्फ्लुएंस के अलावा सिस्टम, अच्छा सबसे पहला काम जो ओले सोलशायर ने किया वो फेलाइनी को बेचा था इन जनवरी. तो वो भी इसलिए किया था क्योंकि उस सिस्टम जो है वो ऐसा डेवलप करना चाह रहा था जिसके अंदर ऐसे प्लेयर्स नहीं होने चाहिए. क्योंकि लुकाकू का फर्स्ट टच जो है चलो आज जब आया था तब मजाक बना हुआ था, लेकिन इवेंचुअली वो मजाक प्रूफ भी हुआ कि उसने हमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट किया. क्योंकि जब हम अटैक स्टार्ट करते थे अटैक्स ब्रेक डाउन हो जाते थे, हमें काउंटर्स ही पड़ते थे, वो काफ़ी ज़्यादा हमें उससे मसला भी हुआ. ठीक है गोल्स को अपनी जगह है, काफ़ी ज़्यादा गोल्स भी किए हैं उसने, लेकिन जो फ्लॉज है उनको नहीं इग्नोर करना चाहिए. सोचता है कि अभी जो रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं उसके अंदर भी उसने बार बार मेंशन किए कि आई वांटेड अ स्ट्राइकर, लेकिन कुछ ऐसे थे जो कि आना दूसरी रीजंस की वजह से चाहते थे. वो शायद पाउलो डिबाला को बात की क्योंकि वो डिमांड्स जो वेजेस ही कर रहा था, हम चाह रहे थे कि दोबारा सैंचेस वाला रिपीट ना हो जो कि अच्छी बात है. तो हमने कोशिश की कि वो चेंज हो, लेकिन वो अब एक सीज़न में नहीं होता ऐसे बिल्कुल भी, वो टाइम तो लगेगा इसमें. तो स्पीकिंग ऑफ ओले गुनर सोलशायर, डू यू थिंक जो वो तो अलग बात कि ही शुड स्टे टू द एंड ऑफ द सीजन और डोर्स ट्रांसफर विंडोज देनी चाहिए, डू यू थिंक हिज ट्रैक रिकॉर्ड अप टिल टुडे इज गुड इनफ टू वारंट बीइंग अ मैन यूनाइटेड मैनेजर? क्योंकि अगर आप ठीक है, बिकॉज आई थिंक ही वॉज परफेक्ट एज अ केयर टेकर मैनेजर. ही वॉज ए एवरी थिंग दैट वॉज ऑपोजिट टू मोरिनियो. ही वॉज अ चेयरफुल बिलवड गाय इन द क्लब एंड जनरली एज वेल. ही इज़ अ वेरी लाइकेबल गाय, कोई उसके बारे में कोई बुरी चीज़ नहीं कहता. ही वॉज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर नॉट ओनली इन यूनाइटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उस वक्त तक मोरिनियो पागल हो चुका था. वो एक नॉर्मल सी लेकर आए, ही फ्रेशन थिंग्स अप, सो ही वॉज परफेक्ट फॉर दैट. लेकिन जब से परमानेंट मैनेजर वो बने हैं, 4 wins in 17 games, no away wins since PSG, which got him the job. Only 19 goals in 23 matches. And this season, one of the worst in the league in terms of chances created from open play. Attacking-wise, jo hai, bahut, kyunki defense achhi hogi, ye toh maanne isme hai ke defensively United are sound this season. Woh koi fazool harkatein jaise woh Phil Jones aur woh Smalling wagaira kar rahe the, woh nahi ho raha. But aage goal bhi nahi ho rahe. As someone who was such a good striker in his age,
have you seen enough from his end ke Rashford ko kuch sikhaye ya kuch change ho aage ke attacking patterns ki wajah se goal ho? Patterns jo hain wo ek to coaching jo hai uske through aane chahiye jo ke ab tak hamara system jo hai us tarah ka hona chahiye tha, lekin abhi jab main matches dekhta hu to uske andar aisa nahi ki hum try nahi kar rahe attack karne ki. Hamari existing jo quality hai due to injuries wo aisi hai jiski wajah se maine badi dafa dekha Newcastle ka match abhi recently mujhe yaad hai Alkmaar wala jo Europa wali jo tie thi wo bhi mujhe yaad hai ki humne kitni through balls attempt ki thi aur uske andar hamari hamesha jo hai wo intercept ho rahi thi. कोई 15-16 तो मैंने मेरा ख्याल है देखी थी अल्कमार वाले मैच में अलोन लियो कैसल में भी हमने बड़ी ट्राई की थी तो वो डाउन टू क्वालिटी होता है जिसकी वजह से हमें क्रिएटिव मिडफील्डर या एक स्ट्राइकर खरीदना चाहिए था और ओले ने कहा भी था लेकिन उसको मिला नहीं फिलहाल. तो क्वालिटी जो है वो इंजरीज की वजह से इम्पैक्ट हुई भी लेकिन अब जब हमारा फुल स्क्वाड वापस आ जाएगा तब इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी. और ये फिलहाल अभी कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जो कि हमें समझ नहीं आती कि हो कैसे रहा है. फॉर एग्जांपल अभी जो हमारे अवे फिर आ रहे थे न्यूकासल से आ रहे थे लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि डाउन टू क्वालिटी या डाउन टू ऐसा कुछ इशू है. वो सिर्फ कॉन्फिडेंस हमारा इतना बिल्कुल बहुत फारिग हुआ है करंटली कोई पास करें मतलब अभी ऐसे ऐसी मैं चीज़ें देख रहा होता हूँ जो कि फोर्थ लीग वाली जो टीम है ना वो भी सही कर लें मतलब सिंपल 5 yard पासेज जो है वो हम बाहर मार रहे हैं बिलाल. ओवरऑल मूड भी ऐसे है वो मिसप्लेस होते हैं और फिर सारे ऐसे सदमे में चले जाते हैं कि पता नहीं क्या. मुझे ओले बहुत पसंद है मैं चाहता भी हूँ रहे लेकिन जो मेरा सिर्फ एक कंसर्न है उसके साथ वो यही है कि उसकी वीकनेस अगर प्रूव हो जाती है कि कार्डिफ में भी जब था तो स्टार्ट ठीक था फिर एक स्लंप आया और वो स्लंप से रिकवरी नहीं कर सका ओवर 12-13 गेम्स या 16-17 गेम्स पता नहीं कितनी मिली थी उसको लेकिन वो स्लम से रिकवर कर ही नहीं सका. तो मेरा ये सिर्फ अभी यही फेयर है कि ऐसा कोई काम ना हो कि अभी जो स्लम्प आया हुआ है इससे रिकवर ना कर सकें. एक विन चाहिए 2-0, 3-0, 4-0 जैसे चेल्सी को किया था तो एक विन ऐसी चाहिए आगे जाके जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस भी वापस आए और हम अपने ट्रैक पर वापस भी आए. या और न्यूकासल वाला जो अब मैं देख रहा हूँ वो एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हाईलाइट की गई एक जर्नलिस्ट है फॉरगॉटन नेम उसकी एक बाकायदा ट्विटर पे वीडियो आई थी मैच के बाद उसने कहा था कि न्यूकासल में जो प्रेस बॉक्स है वो काफ़ी नीचे करके है तो इधर से डग आउट काफ़ी क्लियरली नज़र आते हैं और आवाज़ भी आती है अवे डग आउट. तो उसने कहा कि एक बहुत अजीब चीज़ हुई थी और वो ही हैज़ बिन कवरिंग यूनाइटेड ऑल इज़ लाइफ मेरे दिमाग से बिल्कुल नाम निकल गया. तो वो तपा हुआ था क्योंकि ही ऑब्वियसली हैज़ कनेक्शंस टू यूनाइटेड और वो देख के मतलब उसको गुस्सा चढ़ गया था कि वो कह रहा था कि जस्ट बिफोर द न्यूकासल गोल विच वाज ऑफ यूनाइटेड्स कॉर्नर और ये भी काफ़ी हो चुका हुआ है कि यूनाइटेड अपने कॉर्नर से काउंटर होकर गोल खाती है. ही सेड के सोलशेयर चीख रहा था आई फॉरगॉटन किन दो प्लेयर्स को एक तो आपका एंड्रेस परेरा था शायद और दूसरा कोई और था उसको वो उनको वो कह रहा था कि अपनी पोजीशन चेंज करो क्योंकि ही कुड सेंस कि न्यूकासल जो है वो काउंटर करने लगी है बट वो सुन नहीं रहे थे फॉर सम रीज़न आवाज़ नहीं पहुंच रही थी या उनको समझ नहीं आ रही थी. एंड देन एग्जैक्टली दैट हैपेंड न्यूकासल काउंटर्ड और अगर वो उन पोजीशंस में होते तो बच जाना था प्रॉब्ली. तो सोलशेयर की मैनेजमेंट के क्या हो रहा है कि कोई मतलब कोहीजन नहीं नज़र आ रही प्लेयर्स की या कुछ भी क्योंकि लास्ट सीजन वो राइड दे वर राइडिंग अ वेव और एकदम से कॉन्फिडेंस वगैरह सही था बट दिस काइंड ऑफ इंस्टेंसेस जब आप सुनते हो ये तो यू कैन कैन नॉट पुट इट डाउन टू कॉन्फिडेंस या कुछ ये तो बस प्लेयर्स जैसे रॉय की ने कहा था कि दीज प्लेयर्स थ्रू मोरिन्हो अंडर द बस एंड दे विल डू द सेम टू ऑले. तो आर दे ऑल बैड एप्पल्स विद जस्ट अ फ्यू एक्सेप्शन? नहीं बैड एप्पल्स की नहीं मैंने बार बार सिर्फ कल्चर का नाम ले रहा हूँ कि कल्चर चेंज होना चाहिए क्लब के अंदर पूरे का पूरा. अब जिस तरह आप बात कर रहे थे प्लेयर्स यहाँ पे आके क्यों फारिग हो जाते हैं पहले क्यों अच्छे होते हैं अब जिस तरह डिखेया आया अभी हमारे करेंटली स्क्वाड में अगर आप सीनियर प्लेयर्स की बात करते हो तो डिखेया मैटिच यंग माटा ये चार हैं बाकी नहीं किसी को ऐसे सीनियर कह सकते. तो इनमें अब आप देखो कि माटा मैटिच यंग जो है वो तो हैं ही बैकअप वो तो अभी खेल रहे हैं क्योंकि इंजरीज हैं जब इंजरीज नहीं थी तो वो स्क्वाड में भी नहीं आ रहे थे. लेकिन अभी डिखेया है जो कि अगर पिछले सीजन जो उसकी फॉर्म रही है वो जनवरी ऑनवर्ड्स स्पेशली अगर वो ना होती तो हम टॉप फोर में होते हैं मतलब 4-5 मैचेस उसने हमें ईजिली कॉस्ट किए हैं लेकिन उसने इस चीज़ का जो है अर्न किया राइट कि वो इस तरह की मिस्टेक्स करे. छः साल जो है उसने हमें ही बचाया लेकिन अब आप देखो कि जब डिखेया खुद आया था तब उसने कितनी ज़्यादा मिस्टेक्स की 2 seasons हमें मुसलसल कॉस्ट होता रहा. डेविड मॉयस शायद ट्रॉफी जीत जाता सेमीफाइनल अगेंस्ट सन्डरलैंड डिखेया का ब्लंडर था एट ओटी जो हम हारे थे ऑन पेनल्टीज़.
तो इस तरह मतलब उस वक्त रियो फर्डिनेंड ब्रिटिश थे, एवरा था जिन्होंने डिखिया को साथ साथ अपने लेके चले कि चलो वो मिस्टेक्स करें, हम अपनी डिफेंडिंग बेहतर कर लें, हम लीडर हैं। लेकिन अभी इस क्लब में कोई ऐसी इन्फ्लुएंशियल जो है ना पर्सन नहीं है जो ये कह सके, क्योंकि डिखिया के प्लानर्स अभी भी नहीं सही हुए पहले वाला मैच आप देख लो और बस सॉरी नो वरीज, वो यही मैं कह रहा था कि अब एक ऐसा एक साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ कंपाउंड हो गई हैं, एक ड्रेसिंग रूम में लीडर्स कोई नहीं है, हालांकि यूनाइटेड में सबसे ज़्यादा होते थे। नहीं अभी अभी यूथ है ना, और यूथ के साथ साथ सीनियर्स जो हैं उनकी फॉर्म भी ऐसी है कि अब आप देखो ना कि आपके क्लब में सीनियर यंग जैसा होते फिर बंदे नहीं, सीनियर है भी डेडवुड वो जिनको निकालना है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अब ये, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा इसको, ये क्विक फिक्स नहीं है। अभी भी साइड कर दो ओले को तो क्विक फिक्स नहीं है, नया मैनेजर आएगा वो भी हो सकते हैं 6-7 जीत जाए मैचेस, लेकिन इवेंचुअली जो यंग प्लेयर्स हैं उनको टाइम देना पड़ेगा। हम राशफोर्ड को गालियाँ दे लें या जो भी कर लें कि वो उसको 4 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं तभी, एज तो उसकी 21 साल ही है, इस तरह तो नहीं होता कि 4 साल हो गए हैं तो बंदा फिर वर्ल्ड क्लास बन जाए, उस तरह टाइम लगता है। सुने उसको बात मार रहे हो तो अब ये है कि मैं एज अ लिवरपूल फैन इतनी सिमिलैरिटीज देखता हूँ बिटवीन यूनाइटेड इन दिस डेकेड एंड लिवरपूल इन द 90s, और बहुत ज़्यादा इस तरह सिमिलैरिटीज हैं कि लिवरपूल के केस में बिल शैंकली आया, जैसे एलेक्स फर्गसन आया, एलेक्स फर्गसन और बिल शैंकली ने क्लब को निकाला एक उससे, ठीक है, बिल शैंकली पास्ड अवे और रिजाइंड फर्स्ट आई थिंक, और फिर उसके बाद एलेक्स फर्गसन की तरह ये नहीं था कि एक बंदा था, बट इट वॉज पीपल फ्रॉम द सेम, मतलब बूट रूम जिसको आप कहते हैं, उसके अंदर से पेजली आया, फेगन आया, केनी डलग्लिश आया, अंटिल 1990-1991 हिल्सब्रा के टाइम तक, वो 20 years ऑफ डोमिनेंस जो लिवरपूल की थी दैट कोइंसाइडेड विद मोर और लेस की यूनाइटेड जो है वो उस वक्त नॉट वन ऑफ द डोमिनेंट फोर्सेज, और फिर आप देखें कि यूनाइटेड एलेक्स फर्गसन ने उठाई नीचे से और 90s में यूनाइटेड वापस एक फोर्स बन चुकी थी, बट आप फिर देख रहे थे इंटरेस्टिंग इनफ यही होता है दोनों एक साइड एक टाइम पे टॉप नहीं होती, फिर लिवरपूल नीचे गई, और उसका एग्जैक्टली यही जो हम यूनाइटेड के साथ अभी देख रहे हैं वही वजह थी कि केनी डलग्लिश किया है पीछे से इतनी बुरे डिसीजन मेकिंग और गवर्नेंस हुई है, एक बंदे ने पकड़ के रखा था, प्लेयर मैनेजर था वो, खेलता भी वही था, खिलाता भी वही था, सब कुछ वो करा था, और ग्रेम सुनेस आया फेल्ड कम्प्लीटली इवन दो ही वॉज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, और फिर आप देखते हैं जिस तरह आप यूनाइटेड करिए मैनेजर्स चेंज, कोई स्ट्रक्चर नहीं कुछ नहीं, और दूसरी साइड पे आप देख रहे थे कि यूनाइटेड एलेक्स फर्गसन के साथ ऊपर जा रही है। तो अगर आप किसी को 1990 में लिवरपूल फैन को कहते हैं ना कि 30 years आप लीग नहीं जीतोगे तो वो हंसता आगे से, बट यू सॉ दैट इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, अगर बैड गवर्नेंस हो, 4-5 बुरे डिसीजन हो, वो ऐसा आपको लूप में लेके जाती है कि सदियाँ आपको लग जाती हैं ठीक करने में, और अब हम देख रहे हैं कि क्लॉप ने किसी तरह उस सबको जो है वो किया है ठीक एंड होपफुली विन द लीग सून, बट यूनाइटेड का वही अब फेज एक चल रहा है। डू यू थिंक इट्स गोइंग टू टेक एज लॉन्ग एज इट टू लिवरपूल, या मतलब कि 10-15 साल लगेंगे ठीक होने में, या 5-6 में सही हो सकता है अगर आप रोक दें अपनी बुरी हरकतें? नहीं अब जब तक एडवर्ड वर्ड है मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो 15 साल भी रहे हो सकता है ऐसा, हो सकता है क्योंकि वो उसका जो काम है वो तो वो 100% पूरी तरह से कर रहा है ना, मतलब वो ग्लेजर्स को पैसे बना के देने वो तो वो कर रहा है, उसमें तो कोई मसला है ही नहीं, लेकिन इस सीज़न जो है मैं इम्प्रेस हुआ हूँ एडवर्ड वुड से नहीं, हमारे ओवरऑल अप्रोच से, हमारे सिस्टम से, हमारे जो स्ट्रक्चर हमने बनाने की कोशिश जो मुझे नज़र आई है। फॉर एग्जांपल हम पहले करते, हमारा एक बहुत बड़ा फ्लॉ रहा है वेन रूनी के साथ भी, हमने बड़ी दफ़ा इस चीज़ का हमने नुकसान उठाया कि हम एंड तक लेके जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स, दिखाया जैसे कीपर का 4 महीने बाद अब वो फ्री होता है टू टॉक टू अदर क्लब्स, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बैड गवर्नेंस ही इधर तक लेके आती है। हरेरा अभी गया है ऑन अ फ्री, तो ये भी बैड गवर्नेंस के, जो प्लेयर्स रखने चाहिए वो आप रखते नहीं हो, जो बेचने चाहिए वो बेचते नहीं हो, जो ख़रीदने नहीं चाहिए वो ख़रीद लेते हो। तो डिखिया जो था उसके 4 महीने रहते थे, उसको रीसाइन चलो शुक्र है कर दिया, लेकिन विक्टर लिंडलॉफ हमारा बहुत अच्छा डिफेंडर था लास्ट सीज़न, उसके अभी भी 3 साल रहते थे, चलो उसको रीसाइन कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है कि क्लब इस चीज़ वापस आ रहा है कि जो आपके प्रोटेक्टेड एसेट्स हैं उनको आप जो है प्रोटेक्ट करके ही रखो, मतलब उनके अगर 2 साल रह गए तो आप उनको दोबारा साइन करो। मार्शियल साइन किया, राशफोर्ड साइन किया, ग्रीनवुड ने साइन किया, तोआनसे भी हमारे जो ऑफ द पिच है, मैं इस सीज़न इम्प्रेस हुआ हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल विद द साइनिंग्स, जितनी की हैं, ज़्यादा करनी चाहिए थी लेकिन जितनी किया आई बीन इम्प्रेस्ड कि उनको पैसा दे के नहीं यहाँ पर बुलाया गया। डिबाला आने को तैयार था, कोई मसला नहीं था, लेकिन वो हमने सिर्फ जो उसकी वेज डिमांड्स थी उसकी वजह से हमने उसको ना की कि हम दोबारा वो वाली गलती नहीं करना चाहते, तो मैं ऐसे भी इम्प्रेस हुआ था।
ठीक है आता है 15 गोल मार देता 16 गोल मार देता, लेकिन फिर डी मरिया वाला सीन हो जाता तो क्लब की बैड इमेज है, तो वो मैं पर्सनली नहीं चाहता था। लेकिन इसी से मैंने देखा है कि चेंजेस ऑफ द पिच ऐसी आई हैं जिनसे मैं इंप्रेस हुआ हूँ और जिन पे शाबाश भी देनी चाहिए। अब होपफुली अगले सीजन भी ऐसा ही रहे और जो हमारे रॉन्ग्स अभी तक हो चुके हैं उनको हम ठीक करें ताकि हम बैक ऑन ट्रैक आएँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता। अभी तीन साइनिंग्स किए हैं जिसकी वजह से हमारा डिफेंस ओवरऑल कम्प्लीट बड़ा बेहतर हुआ है। अगले साल 3-4 साइनिंग्स और करें तो उससे भी बेहतर होगा। फिर साइनिंग्स ज़रूरी हैं और वो साइनिंग जो कि मैन यूनाइटेड के कल्चर सिस्टम और उसके आइडेंटिटी के साथ, हाँ, क्योंकि अभी ऐसे लगता है कि शर्ट बहुत ज़्यादा भारी है कुछ प्लेयर्स के लिए, वो नहीं हैंडल कर सकते, कॉन्फिडेंस बिल्कुल सैप हो जाता है, उनसे नहीं परफॉर्मेंस होती, उनसे पासिस नहीं होते, उनसे अपना मतलब कुछ भी नहीं किया जाता, बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, और इसी वजह से कि अभी प्रेशर बहुत ज़्यादा है क्लब का। और यंग प्लेयर्स पे जिम्मेदारी भी नहीं इस तरह डालनी चाहिए इतनी यंग एज में, मतलब पूरी नहीं डालनी चाहिए, मतलब कि रोनाल्डो मेसी टाइप नहीं है कि भेज दिया तो चलो कुछ कर ले। रोनाल्डो भी था, उसको भी टाइम दिया था, वो जब आया तो 2 साल तो वो भी कुछ नहीं था, लेकिन चांसेस दिए, मिस्टेक्स करे। अब तो आंसर भी जो है, फॉर एग्जाम्पल उसने आर्सेनल के अगेंस्ट एक मिस्टेक की, बड़ा अच्छा मैच खेला, फिर न्यूकैसल में बहुत अच्छा खेला वो। तो इस तरह मैं चाहता हूँ कि यंगस्टर्स आए, गलतियाँ करें, लेकिन फिर उनसे सीखें भी, ये ना हो कि गलती करके कोई हो जो उनको हाँ। ले के चलें साथ, मतलब कि रॉय कीन वगैरह जब होते थे हाँ। तो उनके साथ अब फ्लेचर कैरिक वगैरह जब वो आ रहे, कैरिक तो एक एस्टेब्लिश प्लेयर था फिर आया था, ये जो आपके यंग प्लेयर्स आ रहे थे एंडरसन फॉर एग्जाम्पल, स्कूल्स वगैरह फॉर श्योर कुछ ना कुछ इनको बहुत इन्फ्लुएंस होता होगा, तो आपने कहा कि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए अगर ये मतलब के डिसीजन सही रहे। जेमी कैरिगर सेज यूनाइटेड aren't as far away as people think. हाँ, और वो यही एग्जाम्पल दे रहा था कि जैसे लिवरपूल एक सीजन में काफ़ी 2011-12 में या 10-11 में पीछे थी और फिर लुइस सुआरेस खरीदा और एक प्लेयर की वजह से ना काफ़ी फ़र्क पड़ा, और वो अब यही कैवियट होता है कि प्लेयर वो एक ऐसा होना चाहिए वो आप लोग। रॉय कीन उल्टा कहते हैं, रॉय कीन कहते हैं कि कुछ ज़्यादा ही बुरे हालात हैं, बहुत ही बुरा है। मुझे बेशक मैं यूनाइटेड फ़ैन हूँ और मैं इन सारे प्लेयर्स से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जितने जितनी देर हो रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो है वो जो हमारे पंडित्स हैं मोस्टली मुझे नहीं पसंद आया कभी भी। एज प्लेयर्स आई लव देम, एज पंडित्स, इवन गैरी नेवल तो अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगता है। नहीं, उसकी स्टेटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी होती हैं, उसको नहीं पता होता, एक अभी स्टेटमेंट बोलेगा 6 महीने बाद फिर चेंज कर देगा, तो इसलिए मैं उनका फ़ैन नहीं हूँ। अपने जेमी कैरेगर का नाम लिया, उसके आर्टिकल्स भी अच्छे होते हैं और ओवरऑल वो ज़्यादा बेहतर बात कर रहा होता है क्योंकि उसमें सेंस होती है, उसमें बायस नहीं होती। ये लोग जो जितने भी पंडित्स मैंने देखे हैं ये सिर्फ जो है ना न्यूट्रल होने के चक्कर में ना वो फिर बात कहीं और ले जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फिर हमें भी नुकसान होता है इस बात का कि यार तुम्हारे लेजेंड ने ये बोला है, लेकिन हम और तो, आप ड्रेसिंग रूम में आप देख रहे हो कि गैरी नेवल रॉय कीन बस ले मैं उसके तो। साथ नहीं एग्री करता, ये अभी जो आप आर्टिकल की बात कर रहे हो कि कैरेगर वाली, वो अच्छा आर्टिकल था और वो कह भी बिल्कुल सही रहा है कि अभी 3 प्लेयर्स है और 3 हाउसहोल्ड नेम्स नहीं है, लेकिन अगर आप लिवरपूल के देखो तो लिवरपूल ने ऐसे ही प्लेयर्स साइन किए, स्पर्स ने ऐसे ही प्लेयर्स साइन किए और पिछले साल दोनों चैंपियंस लीग का फाइनल खेले, तो ये चीजें बड़ी नोट करने वाली होती है। हमें बस हाउसहोल्ड नेम का जो चस्का है वो लेके बैठ जाता है कि नहीं प्लेयर हो ये हो वो, सैंचेज आया उसने क्या किया। अब फॉर एग्जाम्पल माने, हाँ, अब जर्गन क्लॉप की जो सबसे इम्प्रेसिव चीज़ रह चुकी है ना अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग ऑफ द फील्ड दैट ही हैज डन, वो ये है कि उसकी ट्रांसफ़र और इसके अंदर माइकल एडवर्ड्स और सारा स्ट्रक्चर भी आता है, नेबी केटा के अलावा कोई भी और लॉरिस कैरियस के अलावा मैं कोई ऐसी साइनिंग नहीं उठा सकता जर्गन क्लॉप की जिसको आप कहो कि ही हैज़ नॉट बीन अ सक्सेस। फ्लॉप तो अलग बात है, और उसने ऐसे साइनिंग्स उठाई हैं कि हम उस वक्त कहते थे यार ये करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स आर यू माने वी वर्ड हम मारियो गर्ट्ज़े के साथ लिंक थे, क्लॉप ने कहा नहीं मैं माने लूँगा, हालांकि गर्ट्ज़े को वो पर्सनली जानता है, और अब हाइंडसाइट में अगर आप देखो तो इट वॉज ऑब्वियस के सादियों माने लेना चाहिए मो साला, और सबसे बड़ी एग्जांपल एलेक्स ऑक्सलेड चेम्बरलेन, ऑल्दो वो इंजर्ड रहा है एलेक्स ऑक्सलेड चेम्बरलेन आर्सेनल में हिज परसेप्शन वॉज वेरी डिफरेंट, विंग बैक विंगर मतलब ऑल ओवर द प्लेस, क्लॉप ने लिया ही एट अ क्लियर विजन के उसके साथ क्या करना है। और स्पीकिंग ऑफ क्लॉप एंड लिवरपूल बिग मैच कमिंग अप संडे को अगली, ओल्ड ट्रैफर्ड का क्या ही बंदा कह सकता है, जब लिवरपूल का जो मर्जी फॉर्म हो पिछली 40 गेम भी जीते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड जाके यहाँ तो ड्रॉ करते हैं हार जाते हैं, हाँ। तो इस टाइम डू यू थिंक दिस विल बी दी हाईलाइट
of the season so far for you ke Solskjaer ki United kuch na kuch derby mein nikal legi, form goes out the window. Currently to is baat ko manne mein koi burai nahi hai ke United abhi piche hai. Liverpool last year Champions League jeeta bhi hai, Premier League jo hai wo bade mushkil se hara tha, hamari duaye qabool bhi ho gayi thi lekin uske andar humne jo hai ye dekha hai ki jab Liverpool ke halaat bure the hamare bahut acche the, jaise maine hat-trick of PL titles ki baat ki thi to uske andar hame 4-1 ya japda tha jab Andreas Dosena ne bhi goal kiya tha, to hum us waqt upar the lekin Liverpool aaya to unke liye cup final wo hota tha. Abhi hamare liye hoga ki hamara international break jo hai wo aaye aur hame ek chance milega ki hum focus dobara kare is baat pe. और इससे अच्छा फोकस है, इससे ज़्यादा अच्छा पिक मी अप क्या हो सकता है कि लिवरपूल के अगेंस्ट मैच है और हर बंदे ने आपको रूल आउट किया हुआ कि आपको आप तो 5-0 कोई प्रेशर नहीं है, हाँ लेकिन उसके अंदर आप अपनी प्राइड के लिए खेल रहे हो और जैसे पहले लिवरपूल खेला करता था अपनी प्राइड के लिए कि चलो लीग नहीं जीत सकते लेकिन हम अपने मतलब बड़े फियर्स राइवल हैं उनके होम में आए तो हम कुछ करें. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई स्पिरिटेड शोइंग होगी, बेशक परफॉर्मेंस हो, पता है परफॉर्मेंस हो कि फाइट की है पता, एक अटैकिंग एक विल थी जीतने की, ये नहीं कि बस वो ना हो कि मुरीनियो की जो आखिरी गेम थी एट एनफील्ड के लग रहा था कि पता नहीं क्या ही हो गया, वो बहुत बड़ा मैच था. तो वुड यू सो यू एक्सपेक्ट ओले विल फायर अप द ट्रूप्स और आएंगे, क्योंकि डिफेंस हमारे पास ऑप्शन नहीं है अगर तो स्पेशली इफ पॉपर इज आउट तो फिर हमारे पास इट लुक्स लाइक ही इज आउट, तो उसके अंदर वो सिस्टम तो चेंज होगा लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यूनाइटेड जो है वो पीछे नहीं रहेगा. इट्स ओल्ड ट्रैफर्ड, हमारा होम है 76,000 फैंस, तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक स्प्रेडेड शोइंग होगी. इवेंचुअली आई थिंक इट विल बी अ ड्रॉ, जैसे फरवरी में भी लिवरपूल के काफ़ी अच्छी फॉर्म थी लेकिन उसके अंदर मेरा ख्याल है एक शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं थी उनकी, तो वो भी उस वक्त बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी हमारी तरफ से. लुकाकू ने चांस मिस किया, लिंगार्ड ने मिस किया था, स्मॉलिंग ने मिस किया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस दफ़ा जो है परफॉर्मेंस वैसी ही हो, अच्छी हो, सॉलिड हो, एक अच्छी परफॉर्मेंस हो बस. तो यूनाइटेड आल्सो हैव अ चांस एक्स्ट्रा मोटिवेशन के लिवरपूल का वो रोक दें, बिकॉज लिवरपूल आर ऑन द ब्रिंक ऑफ इक्वलिंग सिटीज रिकॉर्ड ऑफ 18 कंसेक्यूटिव लीग विंस. तो ये एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन है. आई एम गोइंग टू पुट यू ऑन द स्पॉट, व्हाट इज़ योर प्रेडिक्शन फॉर द मैच? अगर ड्रॉ होगा तो स्कोर ड्रॉ होगा 1-1, 2-2? आई थिंक इट विल बी 1-1. बोरिंग प्रेडिक्शन है लेकिन मैं ये और मैच प्रॉब्ली बोरिंग ही होगा क्योंकि मैं हमेशा इतना हाइप्ड अप होता हूँ इस मैच के लिए, और अपार्ट फ्रॉम वो 3-1 वाला मुरीनियो की आखिरी गेम, बोरिंग तरीन मैच होता है फॉर वॉट एवर रीजन. बिफोर वी रैप दिस अप, वुड यू लाइक टू टेल एवरीवन वेयर योर स्क्रीनिंग्स टेक प्लेस और इस सीज़न के क्या पार्टनरशिप वगैरह किधर आप लोग स्क्रीनिंग वगैरह करवाते हैं? इस दफ़ा हमारा सीज़न जो है ज़रा स्लो स्टार्ट हुआ है तो उसके अंदर हमने स्क्रीनिंग्स जो हैं वो फॉर्म की वजह से भी थोड़ा कैंसिल की थी, लेकिन लाहौर में हर वीक होती रही है. फिर भी लाहौर में हम होस्ट करते हैं वाइल्ड विंग्स में, एमएम आलम एक्सटेंशन पे है, अच्छा कैफ़े भी है और उनकी व्यूइंग अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी हैं, स्पोर्ट्स बार है. हाँ तो वो इस्लामाबाद में भी पहले होता था, अभी भी है, तो वहाँ से ये इधर आए हैं और अच्छा कैफ़े है. इस्लामाबाद में भी स्क्रीनिंग उधर ही होगी वाइल्ड विंग्स के अंदर ही, और इस दफ़ा कराची में भी है, उसकी लोकेशन जो है वो पेज पर अपडेट होगी. लेकिन सियालकोट में ट्राई कर रहा हूँ कि इस दफ़ा ऐड करूँ, और फैसलाबाद भी इस मैच के लिए स्पेशली मैं ऐड करूँ क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, फैंस भी बहुत ज़्यादा कहते रहते हैं, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि अपने अपने सिटी में जो है यूनाइटेड को सपोर्ट वो सही तरह कर सकें. सही बात है. थैंक यू सो मच इस्माइल फॉर जॉइनिंग मी. आई होप टू हैव यू अगेन सम टाइम इन द फ्यूचर, स्पेशली बिकॉज ऑफ द थिंग्स यू आर डूइंग फॉर द पॉजिटिव इमेज ऑफ नॉट ओनली यूनाइटेड बट फुटबॉल एंड पाकिस्तान इन जनरल. It has been a pleasure chatting with you. Thank you so much for listening. Please subscribe to our YouTube channel and stay tuned for more episodes. This has been Pressing Matters, brought to you by On The Mic. Until next time, Allah Hafiz.